माता दुर्गा के नौ रूप, शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कुष्णमांडा, स्कंद माता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी, सिद्धिदात्री। हिंदू धर्म में माता दुर्गा अथवा माता पार्वती के नौ रूपों का वर्णन किया गया है। इन्हें हम पापों की विनाशिनी भी कहते हैं। हर देवी के अलग अलग वाहन हैं, अस्त्र हैं, परंतु सब एक हैं। नौ देवियों के रूप में पहली देवी शैलपुत्री हैं, जो हिमालय की पुत्री होने के नाते इन्हें शैलपुत्री कहा जाता है। इनका वाहन वृषभ है, इसीलिए इन्हें वृषारूढ़ा के नाम से भी जाना जाता है। नवरात्र पर्व के दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा अर्चना की जाती है। ब्रह्मा का अर्थ होता है तपस्या और चारिणी यानी आचरण करने वाली। भगवान शंकर को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए घोर तपस्या की थी। इस तपस्या के कारण इस देवी को तप सचारिणी अथवा ब्रह्मचारिणी नाम से पुकारा गया। माँ दुर्गा का तीसरा रूप चंद्रघंटा है। नवरात्रि उपासना में तीसरे दिन की पूजा का अत्यधिक महत्व है। इस देवी की कृपा से साधक को अलौकिक वस्तुओं के दर्शन होते हैं। नवरात्र के चौथे दिन कुष्णमांडा देवी के रूप की उपासना की जाती है। अपनी हल्की मंद मुस्कान द्वारा अंड यानी ब्रह्मांड को उत्पन्न करने के कारण इस देवी को कुष्णमांडा नाम से अभिहित किया गया है। नवरात्रि के पांचवें दिन स्कंद माता की पूजा की जाती है। स्कंद कुमार कार्तिकेय की माता के कारण इन्हें स्कंद माता के नाम से पुकारा गया। माँ दुर्गा के छठे स्वरूप का नाम कात्यायनी है। उस दिन साधक का मन आज्ञा चक्र में स्थित होता है। इनकी उपासना और आराधना से भक्तों को बड़ी आसानी से अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष चारों फलों की प्राप्ति होती है। माँ दुर्गा जी की सातवीं शक्ति कालरात्रि के नाम से जानी जाती है। कालरात्रि की उपासना करने से ब्रह्मांड की सारी सिद्धियों के दरवाजे खुलने लगते हैं और तमाम असुरी शक्तियाँ उनके नाम के उच्चारण से ही भयभीत होकर दूर भागने लगती हैं। महागौरी माँ दुर्गा जी की आठवीं शक्ति का नाम है। दुर्गा पूजा के आठवें दिन महागौरी की उपासना का विधान है। पति रूप में शिव को प्राप्त करने के लिए महागौरी ने कठोर तपस्या की थी, इसी कारण इनका शरीर काला पड़ गया। लेकिन तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने इनके शरीर को गंगा के पवित्र जल से धोकर कांतिमय बना दिया। उनका रूप गौर वर्ण का हो गया, इसीलिए ये महागौरी कहलाई। सिद्धिदात्री माँ दुर्गा की नौवीं शक्ति का नाम है। यह सभी प्रकार की शक्तियों को देने वाली हैं। नवरात्र के नौवें दिन इनकी उपासना की जाती है। मान्यता है कि इस दिन शास्त्रीय विधि विधान और पूर्ण निष्ठा के साथ साधना करने वाले साधक को सभी सिद्धियां प्राप्त होती हैं। ये भी माना जाता है कि इनकी पूजा करने से बाकी देवियों की उपासना भी स्वयं हो जाती है। जय माता दी, जय माता दी। यदि दुर्गा सप्तशती ग्रंथ के अंतर्गत देवी कवच स्रोत में इस श्लोक में देवी के नौ रूपों के बारे में बताया गया है। प्रथम शैलपुत्री च द्वितीय ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्रघंटेति कृष्णमांडेति चतुर्थम, पंचम स्कंदमातेति षष्ठम कात्यायनीति च, सप्तम कालरात्रिति
महागौरीति चाष्टतम नवम सिद्धिदात्री च न दुर्गा प्रकृतिता उक्तानेतानि नमानि ब्रह्मणैव महात्मना। जय माँ दुर्गा, जय माँ दुर्गा। आप सभी दोस्तों को एक बार फिर दुर्गा पूजा की हार्दिक बधाइयाँ। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू गाइस।